अभी अभी तो हमारे गेम के अंदर न्यू सीजनल ट्रूप बार्बी ग्रीन किकर एके हालैंड आ गया था, उसके बावजूद सुपर सेल वापिस हम लोगों को एक नया सीजनल ट्रूप, नया सीजनल स्पेल और एक ब्रांड न्यू एपिक हीरो इक्विपमेंट दे रहा है। क्या क्या होने वाला है इस अपडेट के अंदर आज की वीडियो में देखेंगे। इस बार का जो इवेंट है उसका नाम है क्लैश विथ हालैंड। अगेन देखो, हर महीने में जैसे अपने को इवेंट मिलता है वहां पे दो टीयर की रिवॉर्ड्स रहते हैं, एक तो ऊपर वाला टीयर और नीचे वाला फ्री का टीयर। ऊपर वाले टीयर के रिवॉर्ड्स लेने हैं तो आपको इवेंट पास खरीदना पड़ेगा। अब इवेंट पास लेने के भी अपने फायदे हैं, एक्स्ट्रा ओर्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा गोल्डन बूट्स मिलेंगे। जैसे इन इवेंट की एक नई करेंसी मेडल होती है, अभी इस बार गोल्डन बूट्स होने वाली है वो करेंसी, तो एक्स्ट्रा गोल्डन बूट्स, एक्स्ट्रा ओर्स वगैरह आपको मिलेंगे अगर आप लोग इवेंट पास लेते हो तो। और इवेंट पास खरीदते टाइम डोंट फॉरगेट टू यूज कोड Sumit007। अब देखो इस इवेंट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। ओर्स वगैरह तो वो सारी चीजें तो मिलती रहती है हर इवेंट के अंदर, यहाँ पे दो नई चीजें मिल रही है। एक तो नया ट्रूप है जायंट थ्रोवर, ये अपने आप में एक अलग ट्रूप है भाई साहब। ये ना सुपर बॉलर का छोटा वर्जन है लेकिन थोड़े से चेंजेस है भाई साहब। सुपर बॉलर कैसे किसी भी चीज को टारगेट करता है, तो ये जायंट थ्रोवर भी पहला इसका जो बॉल है वो किसी भी चीज को टारगेट करेगा। एक बार जो उसने बॉल फेंक दिया उसके बाद वो सिर्फ डिफेंसिस की तरफ भागेगा और सिर्फ डिफेंसिस को मारने का काम करेगा। 15 हाउसिंग स्पेस होने वाला है दोस्तों इसका, मतलब सुपर बॉलर से आधा हाउसिंग स्पेस इसका होने वाला है और सेम सुपर बॉलर की तरह ही काम करेगा। 3 टप्पा मारेगा उसका बॉल भी जायंट थ्रोवर का। और अगर इस जायंट थ्रोवर का हम कंपेयर करें मैक्स लेवल के सुपर बॉलर के साथ, तो भाई साहब मैक्स लेवल का सुपर बॉलर का हिट पॉइंट देखो 2400 और डैमेज पर सेकेंड है 230 और हाउसिंग स्पेस है इसका 30 का। और वहीं पे जो अपना जायंट थ्रोवर है इसका हिट पॉइंट भाई साहब 1200 ज्यादा है सुपर बॉलर के मुकाबले, 3600 हिट पॉइंट होने वाला है। डैमेज पर सेकंड थोड़ा सा कम है, हाउसिंग स्पेस तो डायरेक्ट आधा है भाई साहब, मतलब ये बहुत ज्यादा वर्थ होने वाला है सुपर बॉलर्स की जगह पे। और ये जो जायंट थ्रोवर है ना ये फुटबॉल फेंकता है, 1 2 3 ऐसे 3 टप्पे इसके गिरते हैं और डैमेज कितना करता है पता है 1650 का। ये जो बॉल गिरता है ना वो 1650 का डैमेज करता है, ये मैक्स लेवल का जायंट थ्रोवर इतना डैमेज करता है। अगर आप लोग लोअर टाउनल्स पे हो, कम लेवल का जायंट थ्रोवर है तो वो उतना ही कम डैमेज करेगा। तो भाई आप लोग कमेंट करके बताना जायंट थ्रोवर ज्यादा पावरफुल रहेगा या फिर सुपर बॉलर ज्यादा पावरफुल रहेगा, और आप लोग किसको यूज करना पसंद करोगे दोनों में से। सीजनल स्पेल भी मिलेगा जिसका नाम है येलो कार्ड। अब देखो भाई इस स्पेल का हाउसिंग स्पेस ना सिर्फ एक है और इसको आप लोग समझ लो कि ये छोटा वर्जन ऑफ ओवरग्रोथ स्पेल है। सिंपल, ये क्या करता है पता है, डिफेंसेस एंड हीरोज के ऊपर जब आप लोग इसको डिप्लॉय करोगे 14 टू 15 सेकेंड्स के लिए वो उनको ना मतलब ओवरग्रोथ ही कर देगा। विजुअल्स में ओवरग्रोथ नहीं करेगा लेकिन जो मैकेनिज्म है वो सेम ओवरग्रोथ की तरह ही काम करेगा इसका। जैसे कि आप लोगों ने इसको आर्चर टावर पे समझो डिप्लॉय कर दिया और क्वीन पे डिप्लॉय कर दिया, तो भाई साहब क्वीन और आर्चर टावर को छोड़ के जो आपके ट्रुप्स है बाकी सबको मारने लगेंगे, उनको मारेंगे भी नहीं और आर्चर टावर ना ही आर्चर क्वीन मार पाएंगे आपके ट्रुप्स को। ओवरग्रोथ स्पेल जो है वो हीरोज को ओवरग्रोथ नहीं कर पाता है, गायब भी नहीं कर पाता है, ना ही उनका अटैक रोक सकता है। लेकिन ये जो येलो कार्ड है ये हीरोज को गायब भी कर देगा और उनको अटैक भी नहीं करने देगा। सेम चीज डिफेंसेस के लिए, डिफेंसेस को गायब भी कर देगा ना ही अटैक करने देगा उनको 14 टू 15 सेकंड्स के लिए। अभी जैसे जायंट थ्रोवर थोड़ा सिमिलर था सुपर बॉलर की तरह, ये स्पेल भी थोड़ा सिमिलर है ओवरग्रोथ स्पेल की तरह, लेकिन जो अगला हीरो इक्विपमेंट होने वाला है वो किसकी तरह सिमिलर है आप लोग कमेंट करके बताओ। तो अगला जो हीरो इक्विपमेंट एपिक मिलने वाला है, पाइकी बॉल नाम होने वाला है इस एपिक हीरो इक्विपमेंट का और इसको आप लोग इस्तेमाल कर पाओगे बार्बेरियन किंग के ऊपर। और भाई साहब ये भी लेवल 27 पे जाके मैक्स होएगा, इसके लिए भी ढेर सारे आपके ओर्स लगने वाले हैं, जैसे कि 56,000 कुछ आपको ब्लू कलर के ओर्स लगेंगे मतलब शाइनी ओर्स, 3720 आपको ग्लोई ओर्स लगेंगे और 480 आपको स्टारी ओर्स लगेंगे इसको जीरो से मैक्स लेवल करने के लिए। और जब आप लोग इसको मैक्स करोगे, मैक्स लेवल के स्टैट्स देखो, 3250 का ये डैमेज करेगा और नंबर ऑफ टारगेट्स है 9। जब बार्बेरियन किंग की एबिलिटी दबाओगे ना वो फुटबॉल फेंक के मारेगा, सेम टू सेम रॉयल चैंपियन की शील्ड की तरह। रॉयल चैंपियन की शील्ड डिफेंसेस को टारगेट करती है लेकिन ये जो स्पाइकी बॉल है ये आजू बाजू के बिल्डिंग्स को टारगेट करेगा, 9 बिल्डिंग्स को टारगेट करेगा। और डैमेज इसका प्रोजेक्टाइल देखो 3250, आर्चर क्वीन के जायंट एरो से ज्यादा और ग्रैंड वार्डन के फायरबॉल से कम, बीच में रखा गया इसका प्रोजेक्टाइल डैमेज। और सबसे अच्छी बात बार्बेरियन किंग की ये जो हेल्थ है ये 3290 हिट पॉइंट इंक्रीज कर देगा और डैमेज पर सेकंड भी 222 से बढ़ा देगा। अब ये नया हीरो इक्विपमेंट देखने का आपको क्या लगता है कौन से दो हीरो इक्विपमेंट बेस्ट काम करेंगे बार्बेरियन किंग के ऊपर? क्या लोग जायंट गॉन्टलेट को यूज करना बंद करेंगे
या फिर जायंट गॉन्टलेट के साथ इसको यूज करेंगे लोग, कमेंट करके बताना। और 4650 गोल्डन बूट्स में आपको आर्चर क्वीन की लेजेंडरी फुटबॉल वाली स्किन भी मिलेगी। और गोल्डन बूट्स के साथ आप लोग शाइनी, स्टारी, ग्लोई ये और भी खरीद सकते हो, और मैजिक आइटम भी खरीद सकते हो, बुक ऑफ फाइटिंग, बुक ऑफ बिल्डिंग वगैरह वगैरह। और इन ट्रूप्स और स्पेल्स के ऊपर हम लोग स्ट्रेटजी भी बनाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप लोगों को कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो। बस दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We're gonna die.